सीबी uh, वन का जो सिलेबस है ना अगर आप सीबी वन का स्पेसिफिकली बात करेंगे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस फिनेंस तो इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा चीज मिलेगा जैसे इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ पोर्शन हैं एंड इसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज सीखेंगे बेसिकली दैट इज नोन एज कॉरपोरेट अकाउंटिंग Companies का काउंटिंग वी आर गोइंग टू लर्न राइट तो कॉर्पोरेट का काउंटिंग आप सीखेंगे प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ पीएल बैलेंस शीट उनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने पड़ते ये सब चीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पार्ट है इसमें बेसिकली दे लास्ट इफ यू वांट टू बोरो व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दैट फंड देन यूनिट टू फाइंड ऑन ऑन अप्रोप्रिएट डेप्ट इक्विटी का मिक्स जैसे आप कभी भी कोई फंड रेस करते हैं तो आपका कितना पोर्शन डेप्ट होना चाहिए कितना पोर्शन इक्विटी होना चाहिए प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड होगा तो काफी सारा उसका डिसएडवांटेज है और हंड्रेड परसेंट डेफ्ट फाइनेंसिंग तो होता भी नहीं है बिकॉज देर हैजू बी सम इक्विटी ओन फंड होना ही पड़ेगा देन देर आर फ्यू चैप्टर्स विच विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग दे विल टॉक अ अबउट मैनेजिंग दी वर्किंग कैपिटल एंड ऑनऑल काफी सारा मैनेजमेंट रिलेटेड चैप्टर्स भी हैं एंड फाइनली सम पार्ट में यू माइट हैव सम कॉस्ट अकाउंटिंग दे माइट टेल यू टू कैलकुलेट सम वेरिएंसेस राइट जैसे हमने ऑलरेडी एक बजट बना रखा है और हमारा एक्चुअल खर्चा उस बजट के हिसाब से हुआ है कि नहीं सो so ये चारों सब फील्ड हमको कवर करने हैं

Uh, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में भी बात करेंगे तो काफी सारा स्मॉल स्मॉल एरियाज और तो इसका कोई डिफाइंड प्योर स्टैटिस्टिक्स प्योर मैथमेटिक्स प्योर अकाउंटिंग प्योर कॉस्ट अकाउंटिंग बोल के नहीं है इट्स अ ब्लेंड बिजनेस फिनेंस दे दिया बिजनेस करने के लिए आपको जो जो केपेबिलिटीज होनी चाहिए सब आपको आना चाहिए इसमें राइट right? कोई डिफाइंड नहीं है बट कंटेंट्स आर डिफाइंड तो हम लोग उसी कंटेंट स्पेसिफिक जितनी भी बातें होंगे हम लोग कर लेंगे क्लास में सो वी विल स्टार्ट विद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट राइट एंड देन धीरे धीरे वी विल गो टू द अदर पार्ट बिकॉज यही हमारा मेन फोर्टी परसेंट सिलेबस कवर करेगा चैप्टर नाइन टू फिफ्टीन सिक्सटीन तक फोर्टी परसेंट ऑफ द सिलेबस ठीक है ना जब भी मैं अकाउंटिंग का बात करता हूं ना तो मेरे को दो चार चीजें एकदम दिमाग में रखना है अकाउंटिंग होता है क्या है इट्स वॉट इट्स द प्रोसेस ऑफ बेसिकली रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस नॉ वॉट इज ट्रांजैक्शंस बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेस एसेट फॉर मनी ऑब्लिक मनी इज वर्थ सो अगर मैं स्पेसिफिकली अकाउंटिंग का बात करूं तो अकाउंटिंग का सिंपल मतलब होता है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं हम कुछ गुड्स खरीदते हैं बदले में पैसे देते हैं फिर हम गुड्स बेचते हैं तो उससे पैसे लेते हैं जिससे पैसे लिया फिर उस पैसे से हम जिसको देना है उसको चुकाएंगे यही सब होता है बिजनेस में और क्या होता है राइट सो इट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एसेट्स उसमें कुछ मॉनिटरी बेनिफिट होते हैं मनी इज इन्वॉल्व राइट सो मनी मतलब हो गया कैश मनी इज वर्थ क्या होता है आज हमने तुमसे कुछ खरीद के तुमको कुछ और बेच दिया बाटर स्कीम इट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन मैंने तुमसे खरीद के बदले में तुमको कुछ प्रॉमिस कर दिया दैट्स प्रोमिसरी नोट इट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन राइट मॉनिटरी वैल्यू है ना मैं तुम्हारे यहां पे काम कर रहा हूं इतना ऑनेस्टी से इसका वैल्यू कैसे निकालोगे निकाल पाओगे बट तुम मेरे को जो टुकड़ा फेंकोगे सैलरी उतना ही है बस वो तुम उसको खर्चा दिखाओगे मेरे लिए इनकम हो गया बट कैन यू कैलकुलेट माई ऑनेस्टी माई रॉयल्टी माई इंटीग्रिटी नो सो नो सच मेजरिंग टूल्स तो वो सब चीज का बात करके कोई फायदा नहीं है आई एम गिविंग यू सर्विसेज अगेंस्ट दैट यू आर पेइंग मी समिंग दैट इज ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेस फॉर मनी आई एम सेलिंग यू गुड्स यू आर पेइंग मी समिंग दैट्स अ ट्रांजेक्शन मैं कितने डेडिकेशन से काम कर रहा हूं यू कैनॉट रिकॉर्ड इट इन टर्म्स ऑफ मनी मैं कितना लॉयल हूं अपने काम के प्रति हालांकि दिस एड्स वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज मेरा ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन कर रहा है बट रिकॉर्ड नहीं हो रहा सो इट सिंपली मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कोई भी बिजनेस में एक्सचेंज हो गुड्स का सर्विसेज का एसेट्स का रिसोर्सेज का वॉट एवर हैज बीन एक्सचेंज इट टू बी फॉर मनी और मनी इज वर्थ वेन आई टॉक अबाउट मनी इज वर्थ It can be exchange of goods in terms of another goods. It can be exchange of goods for some later date payment, promissory note. I am promised to pay you after thirty days from now. And you won't believe based on these promises, you can get finance from the bank. Suppose Ambani promises me to pay me sixty days after. Ambani ne promise kiya hai. Okay, fine. With this promissory note, I can go to the bank. I can tell bank. आपको मालूम है हु इज अंबानी बोला या आई नो अंबानी ही इज अ वेरी गुड मैन राइट आई हैव सीन हिम इन आई हैव हर्ड हिम इन मेनी कॉन्फ्रेंसेस राइट एंड ही इज अ वेरी गुड बिजनेस मैन सक्सेसफुल बिजनेस मैन ऑफ इंडिया ओके फाइन बोला वॉट यू हैव टू डू विद दैट बोला आई हैव अ प्रोमिसरी नोट साइन बाई अंबानी आई नीड फाइनेंस बोला ओके आई एम गोइंग टू गिव यू क्योंकि बैंक इज ऑल्सो श्योर दैट आफ्टर सिक्सटी डेज बैंक विल गेट पेमेंट फ्रॉम अंबानी

Of debt, this is also transaction. So transaction can be for money or money's worth. It can be settled today or later. It doesn't matter, right? Exchange hona chahiye इनको मेरे को record करना है, right? Recording in the sense, इसमें से खर्चा क्या है, income क्या है आपका वो निकालिए, profit and loss बनाइए. एंड उस इनकम से आपने क्या-क्या खड़ा किया, एसेट्स बैलेंस शीट बनाइए सिंपल मैंने सर्विसेज ली हैं ये मेरे लिए खर्चा है मैंने सर्विसेज दी आया है ये मेरे लिए इनकम है नेट में ज्यादा दिया कम दिया एक्सपेंस इनकम नेट प्रॉफिट आपका कितना है अच्छा आपने दो लाख रुपए कमाए इसे क्या किया घर खरीदा गाड़ी खरीदा एसेट्स का लिस्ट सर लोन में लिया है तो बगल में लाइबिलिटी होगा उसके बगल में एसेट्स होंगे राइट सो बेसिकली अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड करते ही हैं साथ में इवेंट्स मैंने बताया ना इवेंट्स भी रिकॉर्डेड होते हैं कैसे इवेंट्स रिकॉर्डेड होते हैं सर व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स आर वी टॉकिंग अबाउट लगता है उधर का इधर ले आया वॉट इवेंट्स आर वी टॉकिंग अबाउट इवेंट्स का मतलब होता है रेजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यू में दिखाया था ना इवेंट्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स राइट पहले क्या था ना चैप्टर में अगर दस टॉपिक होता था कोई भी एक टॉपिक दे देता था तो उसमें हमारा लक भी फेवर कर जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन देखा हुआ है कर देते हैं पांच में चार मिल जाएगा अभी पांच सवाल पूछेगा पांच अलग जगहों से दे विल आस्क यू फाइव प्रॉब्लम्स फ्रॉम फाइव डिफरेंट प्लेसेस आपको सब पढ़ के जाना है छोटा छोटा बात भी आपको याद रखना है पहले हमारा CB1 वन में अगर साठ सत्तर क्लास होता था तो अभी और ज्यादा ही होगा छोटा छोटा बात करना है हम लोगों को तो रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे हमने खरीदा एक लाख रुपए में ठीक है हमने बेच दिया दो लाख रुपए में सारा माल हमने सैलरी दिया बीस हजार का इसका रिजल्ट क्या है अस्सी हजार क्या प्रॉफिट इसी को इवेंट बोलते हैं दिस प्रॉफिट इज इवेंट तो डोंट यू रिकॉर्ड प्रॉफिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यस वी डू दैट यस और नो कांट वी डू करते हैं ना अपने प्रॉफिट रिकॉर्ड तो ये हमारा इवेंट्स हो गया सो so, इवेंट का मतलब होता है आउटकम जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए हमने सौ पीस खरीदा है परचेज एट द रेट दस करके हजार हमने सेल किया अस्सी पीस एट द रेट अठारह करके मैथ्स में थोड़ा कमजोर हूं बताइए कितना आएगा वन फोर फोर जीरो सो वॉट इज माई स्टॉक ट्वेंटी पीस एट द रेट टेन दैट्स टू हंड्रेड स आर नो दिस इज इवेंट सो प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक आ टू परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स दोनों ही रेजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है दोनों ही एंड ऑफ द ईयर मालूम चलेगा ड्यूरिंग द ईयर मालूम ही नहीं चलेगा आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनका जो नेट आउटकम है दैट इज इवेंट्स ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड दैट टेक प्लेस ज्यूरिंग नेट आउटकम आर इवेंट्स सो ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं इवेंट्स भी रिकॉर्ड होते हैं वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा विच हैपन इन एन अकाउंटिंग पीरियड अगर वो अकाउंटिंग पीरियड के ट्रांजेक्शन नहीं है इस साल के नहीं है तो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा सो अकाउंटिंग सिंपली मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बोथ जो इस साल को पटेन होना चाहिए क्लियर ये एक बेसिक नॉलेज था हमारा अकाउंटिंग का अभी अपन बात करते हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग का नाउ हम लोग किसका बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कॉरपोरेट अकाउंटिंग राइट हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं अकाउंटिंग एक आइडिया है इट्स अ थॉट एंड व्हेन वी डू दिस अकाउंटिंग वी टेक लॉट ऑफ अजाम्शंस टू बी वेरी फ्रैंक जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे आप किसी भी कंट्री में जाके काम करिए अकाउंटिंग विल नेवर बिकम अ चैलेंज फॉर यू इफ यू फॉलो दिस पहले मैंने आपको अकाउंटिंग बता देना अकाउंटिंग क्या होता है सिंपली वी हैव टू रिकॉर्ड माई डे टू डे एक्टिविटीज क्या आया क्या गया क्या खर्चा क्या इनकम इनकम हुआ तो उससे क्या खरीदा लोन लिया तो उससे क्या खरीदा उसको किस चीज में यूज किया अच्छा प्रोडक्शन में यूज किया उससे क्या माल बनाया कितना बच गया कितना बेच दिया यही सब पूरा प्रॉपर हिसाब गुड्स का सर्विसेज का एसेट का रिसोर्सेस का राइट right? एंड जब आप इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड करते तो उसका एक आउटकम होता है जो एंड ऑफ द ईयर मालूम चलता है प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक दीज आर ऑल इवेंट्स तो ट्रांजेक्शन जो ड्यूरिंग द ईयर होते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है और इवेंट्स भी रिकॉर्ड होता है राइट right? प्रोसेस में मैं नहीं जा रहा जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में उससे बात ही नहीं कर रहा हूं दरकार भी नहीं है वो आजकल तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गया है एंड इन इंडिया वी नो दैट टैली इज वन ऑफ द मोस्ट रिकाउंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप टैली में अकाउंटिंग सीख गए तो आप किसी भी कंट्री का कोई भी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग सीख जाएंगे आई नो दैट दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी यू आर मेड फॉर समथिंग बिग बट आपको किसी से डाटा मांगने का दरकार नहीं पड़ेगा यू कैन सिंपली आज देम द एक्सेस यू कैन हैव अ लुक योर सेल्फ गेट द डाटा इन वॉट एवर फॉर्म यू वॉन्ट एंड यूज इट किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा अदरवाइज यू हैव टू कीप ऑन मेलिंग आई हैवेंट रिसीव द फाइनेंशियल येट एज ऑफ नाउ सो आई कैन नॉट डू द रिस्क एनालिसिस यू डोंट हैव टू आस्क फॉर द डाटा सिंपली आस्क द एक्सेस बिकॉज यू नो हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर इन मार्केट देर आर सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर एज वेल बट इफ यू लर्न इन वन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू लर्न एवरीवेयर मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग इन इंस्टाग्राम देन यू मस्ट भी हैविंग स्नैपचैट फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम बहुत सारा डेटिंग ऐप्स है ये वो सबका ट्रेनिंग थोड़ी लिया एक का लिया बाकी सब ऑटोमेटिकली हो गया किसी में से हल्का सा मारने से लाइक हो जाता है जोर से मारने से दिल निकल जाता है फर्क ये प्रोसेस का ही है सो इट प्रोसेस हार्डली टेक्स फ्यू मिनट्स टू लर्न इसमें कोई बड़ा बात नहीं है राइट इट डेज नो बिग डील इन दैट सिंपली यू कैन लर्न द प्रोसेस बट यू नीट टू वर्क इन वन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सो दैट यू कैन वर्क इन अनदर एनी वे सो so, ये हमारा हुआ अब हमको अकाउंटिंग करना है सबसे पहले हमको मैंने बताया आइडिया थॉट्स तो जब भी लोग अकाउंटिंग करते थे सो मेनी आइडिया थॉट बिलिवस अजोम्शन वन ऑफ द एजॉम्शन इज कि अकाउंटिंग पीरियड बारह महीने का होगा ये अजाम्पन है इफ आई कीप ऑन परचेजिंग इफ आई कीप ऑन सेलिंग राइट सपोज मान लो सी बी वन में पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा हूं पढ़ा रहा हूं तुम लोग भी सुन रहे हो सुन रहे सुन रहे सुन रहे हो बट देर टू बी असेसमेंट्स

इनफाइनाइट एंड इन केस ऑफ कंपनी देखो सोल प्रोप्राइटरशिप देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉब्लम क्या है मालिक सल्टा अगर उत्तराधिकारी है तो ठीक है उत्तराधिकारी नहीं है तो बिजनेस भी खत्म इसीलिए अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है द मोमेंट यू ग्रो ओल्ड योर सन स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेजुएशन हो गया है अच्छे जगह से आई अहमदाबाद से एम करवा दिया उसको हावर्ड से पढ़ के आ गया लड़का अब बिजनेस में बैठने का टाइम आ गया दिस इज वॉट यू ऑल नो तो वो संभाल लेगा तो अच्छा बात है सोल प्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है लेकिन कंपनीज में क्या होता है द ओनरशिप ऑन द मैनेजमेंट आर ऑन टू डिफरेंट हैंड्स पैसा लगाने वाला कोई और है चलाने वाला कोई और है आज मैं मैं कोई फील्ड में अच्छा होगा बट मैं ऑल फील्ड में अच्छा नहीं हूं ऐसा बात नहीं है कि मैं कर नहीं सकता मेरा तजुर्बा नहीं है नथिंग इज इंपॉसिबल फॉर एनी वन एवरी वन कैन डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्ट बट आई डो नॉट दैट तो मैं एक बिजनेस मैन हूं मैं कितना तक सोच सकूंगा इतना इतना इससे ज्यादा इससे ज्यादा मेरा सोच नहीं है लेकिन बहुत लोगों का सोच वहां से शुरू होता है जहां से मैं खत्म करता हूं सोचना तो लोग कंपनी क्यों बनाया एक आदमी के लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गिव सो मच मनी मेरे को नेशनल लेवल पे बिजनेस करना मेरे को और फंड चाहिए बैंक भी आपको कितना दे देगा बैंक बोलेगा आपके पास क्या एसेट एक करोड़ का चलो दो करोड़ का लोन दिया और लोन भी आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा तो सोल पर हैज लिमिटेशन मे बी इज नॉट दैट वेल इक्विप्ड मे बी ही डन नॉट प्रोसेस दैट काइंड ऑफ क्वालिटी स्किल बिकॉज ऑफ मैन पावर मनी पावर जो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सोल प्रोप्रेटरशिप नाउ यू फॉर्म अ कंपनी पैसा लगाएगा कोई और जो चलाएगा उसको इंडस्ट्री से हायर कर लो ओके यू आर बेस्ट इन प्रोडक्शन कम विथ मी यू आर बेस्ट इन मार्केटिंग कम विथ मी यू आर बेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स कम विथ मी राइट यू आर बेस्ट इन कस्टमर रिलेशनशिप कम विथ मी सो मैं इंडस्ट्री से हर एक एरिया से एक, एक, एक एक्सपर्ट उठा के मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म करता हूं चलाओ चलाओ अंबानी अडानी इलॉन मस्क इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, सुंदर पिंचा सोच सकते हो बिजनेस किस लेवल पे होगा राइट right? तो सबका अपना अपना कुछ स्ट्रेंथ है कुछ वीकनेस भी है अगर सब कोई साथ में आ जाए कंपनी इसलिए बनाया जाता है कि आई कैन हायर द बेस्ट प्रोफेशनल्स फ्रॉम एवरी रीजन जो भी एस्पेक्ट हमको कवर करना है एंड आई कैन फॉर्म अ गुड कंपनी तो कंपनी में पैसा कोई और लगाता चलाता कोई और है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट आर ऑन टू डिफरेंट हैंड्स राइट सोल एपरेटर में क्या होता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं एवरीथिंग इज डन बाई मी एंड कंपनी में द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट आर ऑन टू डिफरेंट हैंड्स एक बात बताना है जस्ट फॉर गॉट वाई आई स्टार्टेड दिस डिस्कशन ये जो मैं सोल प्रपरेटर के पहले क्या बोल रहा था नहीं किस कॉन्टेक्स में आई स्टार्टेड दिस डिस्कशन हाँ 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 आई जस्ट गॉट इन टू द डिस्कशन में फॉर गॉट में कहा अब मेरे को कहा निकलना है देखा ऐसा होता है मैं घुस तो गया सही मैं अब निकलने का रास्ता नहीं मालूम था तो इससे यह समझ में आया कि तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है बिजनेस परपेचुटी होता है बिजनेस चलता ही रहेगा तो सोल प्रपैटर में बिजनेस कभी ना कभी बंद होगा एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा कि बिजनेस को आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो राइट इसीलिए सब कोई को बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए दैट्स बिकॉज दे वॉन्ट द उत्तराधिकारी एज सिंपल एज दैट इसमें कोई ऐसा नहीं है नो वन हेट्स गर्ल्स बट इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा द गर्ल विल गो टू दैट साइड एंड वो फिर उनका वहां का रिस्ट्रिक्शन लॉर्ड ऑफ हमारा इंडियन कल्चर में जितना भी हम लोग मॉडर्न बन जाए बट सोच हमारा इंडियन ही रहेगा एट दी एंड राइट बट कंपनी में क्या होता है अगर शेयर होल्डर सल्टा कोई प्रॉब्लम नहीं है मालिक कोई भी बन जाओ क्या फर्क पड़ता है पैसा ही तो लगाया बुद्धि थोड़ी लगा रहा है ब्रेन तो किसी और का लग रहा है और अगर चलाने वाला मर जाए तो और बेस्ट हायर कर लो वहां काम रुकने वाला नहीं है इतने सारे लोग हैं तो इसीलिए लोग क्या करते हैं बिजनेस परपेचुटी माना जाता है बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट माना जाता है तो अगर बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है तो हाउ डू आई मेजर द परफॉर्मेंस कोई भी चीज अगर एंड होने वाला है तो आई नो आफ्टर दिस आई कैन एनालाइज एंड इजीली मेक द परफॉर्मेंस एनालिसिस टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ चल ही रहा है खत्म होने का नाम ही नहीं है इनिंग्स पे इनिंग्स इनिंग्स पे इनिंग्स, कभी कोई लीड कभी कोई ट्रेल चल ही रहा है इट हैज टू एंड ना देन यू कैन एनालाइज सो सिमिलरली अकाउंटिंग पीरियड होने से आप बारह बारह महीने पे यू कैन एनालाइज दी परफॉर्मेंस आप परफॉर्मेंस एनालाइज करिए आगे बढ़िए तो इट्स एन नजामशन की अकाउंटिंग पीरियड बारह महीने का होगा राइट ये याजामशन लिया गया कोई इसमें कोई किंतु परंतु वाला कोई बात नहीं सिंपली है तो जिंदगी भर तक लेट्स बारह बारह महीने पे बनाएंगे जो मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़ी मतलब हमारे सोच के भी बाहर इतनी बड़ी कंपनीज उन कंपनीज को हर तीन तीन महीना में बनाना है फाइनेंशियल्स बारह महीना मेन है लेकिन तीन तीन पे इंटरिम फाइनेंशियल भी बनाने फाइनल अकाउंट कब बनेगा बारह महीना पे बट इंटरिम कब बनेगा हर तीन तीन महीने पे तो पेम्शन लिया गया है अब क्या हुआ इन लोग अलग अलग अजामशन लेने लग गए मैं चौबीस महीने का लूंगा तुम मेरा क्या कर लोगे कोई बोलता मैं ये अजाम्शन मानूंगा कोई बोलता मैं तो लोग लोग क्या करें अलग अलग एजाम्स फॉलो करने लगे तो इन अजामशन का रूल बना दिया गया स्टैंडर्डाइज़ कर दिया गया राइट right? अभी आप लोग फिर हेराफेरी देखें हम लोगों का पैसा लेते अगला दिन लोग आता है देखता है ऑफिस ही था आए राइट इस तरीके से नहीं होता है रियल लाइफ में वो मूवीज में ही होता है कि रातों रात आप पैसा लेके उड़े जाएंगे हालांकि स्कैम अभी भी होते हैं बट सिटी में करना बहुत डिफिकल्ट है गांव देहात में यू कैन डू इट तो अकाउंट्स विदर तो लॉट ऑफ एजामशन इन अजामशन को स्टैंडर्डाइज किया गया बाय ब्रिंगिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आप कहीं पर भी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप पे क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू हो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत तरह के होते हैं किसी कंट्री का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है कोई भाड़े पे भी यूज कर सकता है जैसे इंडिया वाला लोग का दे हैव देयर ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस दे हैव देयर ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस गैप यूके का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अगर किसी कंट्री का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है मतलब भाड़े पे ले रहा है वो आई एफ आर एस एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर अकाउंट्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उन्होंने आई एफ आर एस बनाया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आपका अपना नहीं है तो तो सबसे पहले आपको यह देखना है अकाउंटिंग देखो मैंने बॉक्स बनाया है यहां पर राइट right? बॉक्स मतलब अकाउंटिंग ऑलवेज वर्क विद इन अ फ्रेमवर्क यू डोंट हैव टू थिंक आउटसाइड बट इफ आई टॉक अबाउट समथिंग मैनेजमेंट रिलेटेड स्टफ्स सपोज इफ आई टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री देर इज नो सच रूल फॉर दैट कोई रूल नहीं है उसका कोई प्रेस्क्राइब्ड रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है सपोज मैंने डिसाइड किया ये मेरा स्टोरेज कैपेसिटी है

so will i follow this rule or i'll go for bulk purchasing so there's an out-of-the-box thinking there's an out-of-the-box thinking usually i manage my inventory well everything is planned depending upon my storage space depending upon my capital i have depending upon the consumption i'll have in upcoming days but still i got huge discount so i made a bulk purchase out of the box thinking but here you cannot do that

सबसे पहला मकसद आपका यही होगा कि आपको कौन सा बॉडी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है राइट सो आर लॉट ऑफ रूल्स यू हैव टू फॉलो तो सर ये सारा रूल मैं आपको एक दिन लगेगा पूरा सारा रूल बताऊंगा जितना भी अकाउंटिंग होगा वो उस रूल के बेसिस पे होगा जैसे मैंने आपको एक बता दिया ना अभी प्रिय कॉन्सेप्ट इसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड हैज टू बी ऑफ ट्वेल्व जो भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे बारह बारह महीना में बनाएंगे और हर बारह महीना के बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा उसके ठीक बाद अपन बैलेंस शीट बनाएंगे टू लिस्ट आउट ऑल माई एसेट्स जिसको अपन नेटवर्थ बोलते हैं क्या बोलेंगे worth, इसके पास छह सौ करोड़ डॉलर है उसके पास में इतना बिलियन डॉलर है इनका नेट एसेट्स इज दैट फाइन सो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आप पे क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं सो यू कैन फॉलो योर ओन स्टैंडर्ड्स यू कैन टेक इट फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडी यू डोट हैव योर ओन राइट नाउ प्रॉब्लम क्या है यूएस में भी यह प्रॉब्लम आया इंडिया में भी यह प्रॉब्लम आया इंडिया में क्या प्रॉब्लम आया हमारी कुछ कुछ कंपनी फॉरेन में भी काम कर रही है दे आर अर्निंग इन डॉलर पाउंड और एनी अदर फॉरिन करेंसी नाउ द प्रॉब्लम इज वॉट शेयर होल्डर तो कंपनी में पैसा लगाया अब कंपनी अपना ब्रांचेस फैला रही है उन ब्रांचेस का प्रॉफिट को हेड ऑफिस के साथ में जोड़ना है मेन ऑफिस में मैंने दस फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस बनाया पैसा तो इंडियन वालों से लिया इंडियन इन्वेस्टर से पैसा लिया ना पैसा किससे लिया इंडियन इन्वेस्टर से राइट सपोज दिस इज इंडिया मैं इंडिया बनाता हूं सपोज करो ये मेरा इंडिया है ठीक है जो भी ऐसे नहीं बनाता हूं ये इंडिया है फालतू में वीडियो में बोले इंडिया बनाना नहीं आता है, राइट right? यहां पे इस लोग ने पैसे लगाए मेरे कंपनी में अभी मैंने अपना यहां पे देश में विदेश में जा जा के अपना ब्रांच खोल दिया ये हमारे ब्रांचेस हो गए राइट right? तो ये हमारा शेयर होल्डर है शेयर होल्डर को हमको क्या करना है कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को हमको अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना पड़ता है ये जो मैंने आपको जो भी बताया ना ये रिकॉर्डिंग ये ब्ला ब्ला जितना जो कहानी बताया अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही निकालना है बैलेंस शीटें बनाना किसके लिए शेयर होल्डर्स के लिए किसके लिए गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लेगा शेयर होल्डर अपना परफॉर्मेंस देखेगा राइट right? तो ये जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगा आई हैव टू कम्युनिकेट किसको कम्युनिकेट करना है मेरे को शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है राइट सो वॉट विल हैपन द पॉइंट इज दैट इफ आई एम डूइंग ऑपरेशन इन फॉरिन कंट्री विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई फॉलो फॉरिन सॉइल से यूर अर्निंग तो बेसिकली यू शुड फॉलो आई एफ आर एस है बट हम लोग इंडियन कंपनी है हमारा इंडिया का भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम तो कंफ्यूज हो गए तब क्या हुआ आई एफ आर एस एंड इंडिया वाला लोग ने मिलके इंड एयर्स बनाया इंडिया एयस क्या बनाया इंडस इंडिया एस बनाया कि भैया हमारी कुछ कुछ कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज जो फॉरेन सॉइल में भी ऑपरेशन कर रही हैं उनको आईएफआरएस फॉलो करना है और हम लोग हैं इंडियन और हम लोग को अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है तो उन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए वी स्टार्टेड मेकिंग अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम चीज आईएफआरएस वाला लोग यूरोप यूएस में भी गया यूएस में दे फॉलो यूएस गैप अब यूएस वाला मानने को तैयार नहीं है वो तो बेटा हर चीज में अड़ंगा लगाएगा उसको अपना चीज से इतना प्यार है कल्पना नहीं है उसका वो बोलता हम तो ऐसे ही करेंगे आई बोला थोड़ा सा चेंज करो हमारा तुम्हारा सेम हो जाएगा अरे भैया अक्रॉस ऑल कंट्रीज अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी कंपेरिबिलिटी बढ़ेगी ना आई कैन ऑल्सो कंपेयर माई फोन कंपनी विथ एपल और एनी अदर सॉफ्टवेयर कंपनी जो भी हम ये कर रहे हैं तुम वो करो हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर आवर परफॉर्मेंस क्लियर तो हमारी कुछ कुछ कंट्रीज फॉरेन में ऑपरेशन कर रही है तो इंडिया वाला लोग ने हाथ मिला लिया एफ के साथ दे मेड अ कन्वर्स्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिस सेलेक्टेड बिग कंपनी मस्ट इंड यूएस वाला लोग बोला नहीं हम लोग को कोई नया ए नहीं बनाना है लेकिन यूएस एक वादा भी किया हम जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे आपके आस पास ही रहेंगे हम मतलब आपका जो रूल है और हमारा जो रूल है उसमें ज्यादा हम डेविएशन नहीं लाएंगे लाएंगे ज्यादा नहीं लाएंगे इर्द गिर्द ही रहेंगे आपके मतलब अगर आप साउथ बोलेंगे तो हम हल्का सा साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट बोलेंगे नॉर्थ की तरफ नहीं जाएंगे राइट इससे क्या होता है ना हम लोग जो बिजनेस करते हैं उनके ऊपर में बॉद्रेशन नहीं आता है अभी हम तो फंस गए हम तो ये आदमी बोला हमको कमा के दो हम कमाए इसके लिए चले गए सात समुंदर पार कमा के लाए भी पैसा अब फंस गए ये बोलता है हमको फॉलो करो वो बोलता है हमको फॉलो करो हम तो फंस गए तो दोनों अकाउंटिंग बॉडी इन्होंने मिलकर कन्वर्स बनाया इन डेस तो सबसे पहले आपको अपना बिजनेस का वो देखना है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में जो भी आपका अकाउंट वगैरह है उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू कम्युनिकेट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इनको कम्युनिकेट करना परफॉर्मेंस तो आपको काफी सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आप पे क्या क्या कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है ये आपको देख लेना है राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू यू राइट अच्छा अब यह आप कंपनी है तो आप पे कंपनीज एक्ट भी लगेगा कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता बिजनेस करना नफा मेरा नुकसान मेरा जो भी हुआ फ्रॉड मेरा जो भी हुआ इस बिजनेस में सारे के लिए मैं सोल जिम्मेदार हूं इफ आई एम डूइंग इन पार्टनरशिप देन देर इज अ पार्टनरशिप एक्ट देर इज नो सोल प्रशिप एक्ट बिकॉज आई एम द सोल पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग गुड और बैड भाई रेस्पॉन्सिबल है नो वन एल्स बट इन केस ऑफ कंपनी पैसा कोई और लगाया चला कोई और रहा है बहुत बड़ा झमेला है इतना सारा स्कैम हुआ है कल्पना के बाहर राइट right? तो यहां पे कंपनीज एक्ट का होना जरूरी है क्योंकि इसको एक अलग आइडेंटिटी मिलती है कंपनी इज अ सेपरेट आइडेंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करते वक्त उसको ओनर से सेपरेट माना जाता है बट लीगल टर्म्स में इट इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स आज भी प्रोप्राइटर खुद अपने पॉकेट से भरता है लेकिन कंपनी का टैक्स कंपनी देगा कंपनी का शेयर होल्डर नहीं देगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी ओनली कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नो वन एल्स खाली कंपनी फॉर्म ही सेपरेट लीगल एंटिटी होता है लीगल इन द आई ऑफ लॉ सोल प्रोपराइटरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है अकाउंटिंग करने के लिए सेपरेट मानेंगे तुमको बट यू आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी ओनली कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी तो सबसे पहले मेरे को क्या क्या रूल्स अप्लाई कर रहे हैं कौन से कंट्री का अकाउंटिंग मैं अगर इंडिया में हूं मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा फॉरेन सॉयल में आई हैव अजनेस फॉलो इन डे एस सबसे पहले क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू हो रहा है मैं कंपनी हूं तो कंपनी अगर मेरा स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स भी मेरे को देखना पड़ेगा I have to go for stock exchange requirements as well, right? जैसे इंडिया में सिक्योरिटीज बोर्ड का रिक्वायरमेंट भी मेरे को देखना पड़ेगा ये तो एक्सचेंज रिक्वायरमेंट हो गया जहां पे मेरा स्टॉक लिस्टेड है सिक्योरिटीज का भी बोर्ड होता है उसका रिक्वायरमेंट भी मेरे को देखना पड़ेगा राइट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स शेयर होल्डर के हो सकता है मेरे को और कोई लॉ अप्लाई हो रहा हो सपोज मेरा फैक्ट्री से थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा होता है सो पोल्यूशन एक्ट विल अप्लाई टू मी राइट सपोज इफ आई एव आ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है मेरा सो मोटर व्हीकल्स का लॉ भी मेरे को फॉलो करना पड़ेगा सो so, ये मेरा मेन जो जो जहां जहां का जितना भी कानून मेरे पे अप्लाई करता है आई शुड नो दैट फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी मेरा मेरे को क्या क्या किसके तहत बनाना है विच रूल आई हैव टू फॉलो एंड ड्राफ्ट माई अकाउंट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी So, हम लोग जितनी भी कंपनीज पढ़ेंगे सब यूके की है यूके का यूके में सेबी होगा सिक्योरिटीज बोर्ड शायद उसको एसईसी बोलते हैं राइट right? uh, वहां का सिक्योरिटीज एक्सचेंज वहां का यूके का काउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां का कंपनी लॉ यूके का कंपनी लॉ प्लस अदर रिक्वायरमेंट्स, जो भी अदर लॉ मेरे पे अप्लाई करता है वो सब राइट right? अभी मेरे को बना के क्या क्या देना है ये तो मेरे को क्या क्या फॉलो करना है ये सारा मैं बताऊंगा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे जितने भी हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बताऊंगा बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया कैसे गया सारे रूल्स रेगुलेशंस अजामशन थॉट्स आइडियाज को स्टैंडर्डाइज किया गया तो वो 18 बीस अजामशन हैं, रूल्स हैं कॉन्सेप्ट हैं, जो मैं फॉलो करता हूं जब मैं अकाउंट्स करूं उसमें से मैंने चार पांच आपको बता दिया अभी गोइंग कंसर्न बताया बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट चलता ही रहेगा अगर मेरा बिजनेस बंद होने वाला है आने वाला दो महीनों में लिक्विडेट होने वाला है तो मैं बैलेंस शीट में जो मेरा एसेट्स है उसको क्या प्राइस पे दिखाऊंगा मार्केट वैल्यू हेर सिंपल बिकॉज आई हैव अ पर्पस ऑफ लिक्विडेटिंग इट कितना में बिकेगा उस पर दिखाऊंगा अदरवाइज किस दाम पे मैंने अक्वायर किया था उस पर दिखाऊंगा अगर मेरा गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट माई बिजनेस विल गो ऑन इन अनफोर्स इन फ्यूचर ना दिखने वाला फ्यूचर में भी मेरा बिजनेस चलेगा कल क्या होगा किसी ने देखा है बट गोइंग कंसर्न क्या बोलता है बिजनेस चलेगा मैंने कल नहीं देखा लेकिन मेरा बिजनेस कल चलेगा ऑफिस कल खुलेगा बच्चे कल आएंगे नया एडमिशन भी होगा सब कुछ होगा माय बिजनेस विल गो ऑन सो मैं एसेट्स को क्या प्राइस पे दिखाऊंगा जिस दाम पर मैंने खरीदा है सर कल बिजनेस बंद हो जाएगा बिजनेस विल शट डाउन टुमारो राइट तो वो किस पे दिखाएगा क्योंकि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट हो गया है ये एक मैंने बताया दूसरा उाउं पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथस अदर अदर एजम्शन दूसरा तीसरा ट्रांजेक्शन कौन से वाले रिकॉर्ड करूंगा जिसको मॉनिटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते द वन विच इज मेजरेबल ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी दैट्स मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट दैट्स मनी मेजरमेंट थर्ड कॉन्सेप्ट फोर्थ बिजनेस एंड ओनर आर सेम और डिफरेंट दैट्स सेपरेट एंटिटी एंड विच टाइप ऑफ एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी चार तो मैंने अभी बता दिया आपको अकाउंटिंग पीरियड गोइंग कंसर्न मनी मेजरमेंट एंड सेपरेट एंटिटी राइट तो ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप देखेंगे ना किसी में कोई कॉन्सेप्ट किसी में कोई एजम्सन लेके रूल बनाया गया है तो लोग अलग अलग रूल फॉलो करने लगे थे इसलिए स्टैंडर्डाइज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया तो मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाऊंगा यूके का मैं आपको वो रूल्स पढ़ाऊंगा वो अजम्पन्स पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना गया है कोई कंट्री किसी चीज को महत्व देगा कोई कंट्री किसी और चीज को महत्व देगा कोई बोलेगा फ्यूचर का प्रॉफिट को दिखाओ कोई बोलेगा फ्यूचर प्रॉफिट जब होगा तब दिखाना सबका अलग अलग सोच है कोई सर पे कफन बांध के धंधा करने निकलता है कोई हेलमेट पहन के निकलता है राइट right? बिजनेस करने सभी जा रहा है सभी धंधे पे जा रहा है लेकिन कोई एग्रेसिव सोचेगा कोई कंजर्वेटिव सोचेगा वैसे ही रूल में भी कुछ कुछ रूल कंजर्वेटिव थिंकिंग दिखाता है कुछ कुछ रूल एग्रेसिव थिंकिंग दिखा रहा है राइट right? सो so आपको ये मैं बताऊंगा इसका सेपरेट एक क्लास होगा कंपनी एक्ट में पूरा मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा राइट अच्छा इसका जो इनकम स्टेटमेंट है और इसका जो बैलेंस शीट है इसका जो जो फॉर्मेट फॉर्मेट है, विल बी गिवन बाय कंपनी लॉ। हर कंट्री का उसका पीएल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है ना वो रेस्पेक्टिव कंपनी लॉ में आपको मिलेगा दो टाइप के इनकम स्टेटमेंट होते हैं अच्छे से सुनिएगा एक होता है फंक्शनल एक होता है नॉन फंक्शनल हमारा इंडिया का जो कंपनी एक्ट का जो पीएल फॉर्मेट है वो नॉन फंक्शनल है आई रिपीट नॉन फंक्शनल नॉन फंक्शनल से रेशियो एनालिसिस करना वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अल्टीमेटली आपका खत्म खाली पीएल बैलेंस शीट बनाने पे नहीं होगा यू हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट डिफरेंट रेशियो एज आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट करेंट रेशियो परफॉर्मेंस ऑफ डेटर डेप्टिक्विटी रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड राइट आई वॉज टॉकिंग अबाउट सो मेनी रेशियोज वो रेशियोज आपको निकाल के कम्युनिकेट करना है शेयर होल्डर को तो दो टाइप से होता है पीएल एक होता है नॉन फंक्शनल यूके का जो फॉर्मेट है दैट्स फंक्शनल रेशियो एनालिसिस इज इजी इंडिया में जो पीएल फॉलो करते हैं हम लोग वो नॉन फंक्शनल है वहां पे रेशियो निकालना मतलब हालत खराब हो जाएगा बट सबका अपना अलग अलग है राइट right? सो so आपको ये फॉलो करना है ये सारे रूल्स उसके बेसिस पे आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करना है अभी आपको बनाना क्या क्या है इफ आई ओनली से अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एक इनकम स्टेटमेंट एक बैलेंस शीट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड तुम दो लाख रुपया कमाई क्या की पैसे का समवन विल से आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड समवन विल से आई हैव रीपेड माय फादर्स लोन समवन विल से आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वेकेशन सोर्स एंड एप्लीकेशन यू हैव टू स्पेसिफाई वॉट यू हैव डन विथ योर मनी

टू अकाउंट दैट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है हालांकि यू विल फॉलो एज पर द रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट स्टिल कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑप्शन दिए हैं इन दो में से आप कुछ भी कर सकते हैं लोग तो बहुत सारा ऑप्शन बना लिए थे उनको स्टैंडर्डाइज करके कटेल डाउन करके मैं दो तीन में लेके आया अब उस दो तीन में आप क्या फॉलो कर रहे हैं अभी भी कंप्लीट हार्मोनाइजेशन नहीं आया है कुछ हद तक आया है तो ये आपको बनाने हैं लेकिन शेयर होल्डर को खाली ये कम्युनिकेट नहीं किया जाता शेयर होल्डर को और भी बहुत सारा चीज दिया जाता है राइट सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट एनुअल रिपोर्ट्स जाके खोलना किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको समझ में आएगा एनुअल रिपोर्ट्स, एक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है उसमें वो सब आएगा पांच चीज फाइव डायरेक्टर्स रिपोर्ट समरी ऑफ ऑपरेशन हमने ये किया हमने ये किया उसमें हमारे को ये हुआ हमको ऐसा लगा वैसा लगा हम आगे ये करने वाले हैं ये सब अपना पूरा रिपोर्ट देगा पूरा साल का वो लोग अब आएगा भाई ऑडिटर्स रिपोर्ट कौन अपॉइंट करता है इसको शेयर होल्डर कंपनी नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं क्योंकि पैसा मेरा काम तुम कर रहे हो तुम फ्रॉड भी कर सकते हो अंदर ही अंदर कंपनी को खोखला कर रहे हो मैं तो कहीं पे बैठा अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा हूं मैंने रिलायंस का सौ शेयर ले लिया है क्या कर रहे होंगे उनके स्टाफ सो so मैं अपना एक बंदा अपॉइंट करूंगा शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाया जाता है उसमें ऑडिटर को फाइनल किया जाता है ये ऑनेस्ट आदमी इसको रखो ये देखने से ऐसा लग रहा है पक्का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पैसा खा लेगा ये इफ यू शेक हैंड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गॉन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहीं आ जाएगा सत्यम पीडब्ल्यू कि जितना सारा स्कैम होता है उसमें मोर देन फिफ्टी परसेंट केसेज में देखना ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स हैंड डायरेक्टर फ्रॉड किया है ऑडिटर देख लिया बता दू क्या ना ना, प्लीज मत बताइए बता दू क्या लीजिए ना बता दू क्या नहीं और लीजिए ना बता दू क्या लीजिए ना अच्छा ठीक है चलो हम लोगों को जब कोर्स दिया डिग्री दिया गया था हम लोगों को बोला गया था प्रोफेशनल एथिक्स हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकली बट कुछ लोग करते हैं the auditor basically express an opinion whether books of accounts are showing true view or not true and fair view ऑडिटर आया अच्छा टोटल सब सही है आइटम्स को ठीक से बैठाया है सुंदरता ठीक है नीट एंड क्लीन है ओके इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ ऑल दिस थिंग्स ट्रू एंड फेयर ऐसे जज नहीं होता सारा काउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है ओके okay, फॉलोड हम रिमार्क दे रहे हैं ओके फॉलोड कंपनी लॉ का सारा रिक्वायरमेंट फॉलो किया है ओके फॉलोड एक्सचेंज रिक्वायरमेंट हैव यू मेट ऑल एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ओके फॉलोड ओके फॉलोड ओके फॉलोड सब ठीक है दैट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ये बनाने का जिम्मेदारी किसका हु विल प्रिपेयर दिस हु विल प्रिपेयर दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल प्रिपेयर राइट ये सब कौन बनाएगा ऑडिटर नहीं बनाएगा

It is you who will get it ready. It is you who will make sure all the compliance is done. I'll tell you what I'll do. I'm just going to tell you what I'll do. I'll come, sit back in my chair. books. I'll just see whether you have actually complied or not. If I find any differences, प्यार से बोलूंगा दिस इज नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कंपनी लॉ में ऐसा लिखा है आप देखिए पढ़िए चेंज कर रहे हैं आर यू चेंजिंग इट बोला यस आई एम डूइंग इट चेंज एंड सेंड द सेंडर ड्राफ्ट ऑफ अकाउंट्स डोट डोंट वांट टू चेंज डोंट वांट टू चेंज ओके नहीं चेंज करना है ठीक है एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट दिज माय ओपिनियन ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ऑल आर इनकरेक्ट एक होता है एवरीथिंग इज ओके इसको बोलते हैं हम लोग क्लियर ओपिनियन इसको बोलेंगे क्लियर ओपिनियन इसको बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन इसको बोलेंगे एडवर्स ओपिनियन कहां अकाउंट्स कितना बजे देंगे दो बजे ठीक है जाइए दौड़ पिज्जा लेके आइए दो बज गया कहाँ अकाउंट्स आज नहीं कल होगा ठीक है कल मैं ग्यारह बजे आऊँगा मंगा के रखिएगा कल फिर आया कहाँ अकाउंट्स रेडी हो रहा है कल तो आप बोले ग्यारह बजे दे देंगे ठीक है आज मैं जा रहा हूँ मैं कल आऊँगा महीना बीत गया महीना बीत गया गाली है ये एक तरह का स्लैंग तहलका मत जाएगा अगर ये ओपिनियन दे दिया तो मैं तहलका मेरा इतना साल का तजुर्बा होने के बावजूद भी मैं ये नहीं बता पा रहा हूं ये सही है कि गलत कुछ नहीं दे रहा है मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा है मांगने पे बोलता नहीं है टाइम लगेगा क्यों नहीं दे रहा डर लग रहा है ना उसको देगा तो फंसेगा जब ऑडिटर आता है ना बहुत कुछ मांगता है सब आदमी लोग देख देख के देख देख के देख देख के देख देख के उसको देता है ये नहीं कि पूरा ऑफिस का सारा डॉक्यूमेंट दे दिया ना चीर फाड़ कर देगा एकदम क्लियर और भी आपको बहुत सारा रिपोर्ट्स इसमें डालना पड़ेगा अदर रिपोर्ट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस दैट यू हैव टू डू जैसे एक होता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी को एक सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सोसाइटी के लिए खर्चा करना पड़ेगा आपने एनवायरमेंट के लिए क्या किया आपने सोसाइटी के लिए क्या किया एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत सारा चीज आएगा चेयरमैन का स्पीच बहुत सारा चीज कोल के देखिएगा आपको समझ में आएगा ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्ट्रेट अवे मूव फॉर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है टिल देन गुड बाय टेक केयर